हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेरी स्टाइल। और आज मैं लेके आई हूँ जो बिगनर्स हैं वो कैसे मेकअप कर सकते हैं। तो बहुत इजी तरीका है, स्टेप बाय स्टेप मैंने मेकअप वीडियो बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है नीविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र। इसको अच्छे से अपनी स्किन पे आपको लगा देना है। देन सेकेंड हमें लगाना है कलर बार का। लगा रही हूँ मैं फेस प्राइमर। प्राइमर से आपकी स्किन के जो पोर्ट्स हैं वो लॉक हो जाते हैं और आपका फाउंडेशन बहुत ही स्मूथ और अच्छी फिनिशिंग देता है। एंड थर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ प्रो कंसीलर। अपनी आईज़ को जो डार्क सर्कल है उसको हाइड करने के लिए और आईज़ के नीचे कंसीलर को अप्लाई करना है। और ये मैं ले रही हूँ ब्यूटी स्पंज। आपको ये वेट करना है, देन आपको इस तरह से डैबिंग स्टेप में आपको इस तरह से ब्लेंड करना है। इसके बाद आपको किसी भी लूज पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट से अपने कंसीलर को सेट करना है। बहुत हल्के हैंड से आपको अप्लाई करना है। अब मैं अपनी आईब्रो को फिल कर रही हूँ। एक आईब्रो पेंसिल है, इससे मैं शेप दे रही हूँ। एंड ब्रश से अच्छे से इसको स्मर्ज करके फिनिशिंग देना है। देन मैं ऊपर कंसीलर ले रही हूँ क्योंकि आपका जो आईब्रो में को एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है और एक फाइन लुक आपको मिल जाता है। जो आपने कंसीलर लगाया है इसको मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको स्मज कर रही हूँ। देन आपको लेना है एक लाइट शेड अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन करने के लिए और इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। अब मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर। हमेशा क्रीज लाइन में हमें लाइट शेड लेना है, देन जब हम नीचे आएंगे तो हमें डार्कर शेड लेना होता है। तो मैं उससे थोड़ा सा डार्क ब्राउन अपनी क्रीज लाइन में आउटर कॉर्नर पर ले रही हूँ और आउटर कॉर्नर से आपको इनर कॉर्नर में ब्रश को मूव करना है। आप जब आई शेडो को क्रीज लाइन पर लगाते हैं तो आपको ब्लेंडिंग अच्छी करनी चाहिए। देन मैं लगा रही हूँ यहाँ पर रोज़ गोल्ड शिमरी आई शेडो। तो ये मैं अपने आईलिड के ऊपर अप्लाई करूँगी। आप इसको फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर से ज़्यादा अच्छा उभर कर आता है। और यहाँ पे मैं कलर बार का लाइनर मैट जेल लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। आपको जिस तरह से लाइनर लगाना पसंद है, जैसे आप मोटा लगाना चाहते हैं, विंग लाइनर बनाना चाहते हैं, विंग लाइनर नहीं चाहिए, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये मैंने आगे से थोड़ा सा पतला लिया है और पीछे से थोड़ा सा मैंने इसमें विंग लाइनर बनाया है। देन आपको अपनी वाटर लाइन में काजल फिल करना है और इसको पीछे से थोड़ा सा आपको मोटा रखना है और आगे थोड़ा सा पतला रखना है। काजल लगाने के बाद आप इसको किसी ब्रश से इसको ब्लेंड जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो काजल है वो अगर आप उसको स्मज नहीं करेंगे तो वो फैल जाता है, निकल जाता है। तो आप उसको एंगुलर ब्रश से अच्छे से स्मज करेंगे। देन आपको सिल्वर कलर लेना है और अपनी इनर कॉर्नर पर इस तरह से आपको फिल करना है। अपनी आईज़ को
आप बड़ी दिखा सकते हैं। देन आपको यूज़ करना है मस्कारा, तो यहाँ पे मैं मेबलिन का मस्कारा ले रही हूँ। जब आप मस्कारा यूज़ करते हैं तो आपको अपवर्ड में डाउन लेके आना है, देन ब्रश को डाउन से अप की तरफ लेके आना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आई लैशेज छोटी हैं तो आप फेक आई लैशेज लगा सकते हैं। देन इसी तरह से आपको लोअर लैशेज में भी अप्लाई करना है मस्कारा। देन अप्लाई करना है आपको अब फाउंडेशन, तो यहाँ पे मैं मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। आपको इस तरह से अप्लाई करना है टैबिंग मोशन में, और बिल्कुल लाइट हैंड से आपको इसको टैप टैप करना है। देन मैं आइज़ के नीचे ले रही हूँ कंसीलर, जिससे कि आपके जो चीक्स और नोज़ ये सब हाईलाइट हो। तो ये हाईलाइट एरिया होते हैं हमारे, तो हमें यहाँ पर इस तरह से लगाना है, और मैं इसको स्पंज से ब्लेंड कर दूँगी। स्पंज ब्यूटी ब्लेंडर से जब आप अपने जो फाउंडेशन है उसको अप्लाई करते हैं तो आपका जो फाउंडेशन है वो केकी नहीं होगा, और एक फ्लॉलेस लुक आपको मिलेगा, और बहुत ही जो आपका फाउंडेशन है वो काफ़ी स्मूथ फिनिशिंग देगा। इसके बाद अप्लाई करना है आपको कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे कलर बार का लूज पाउडर लिया है। मैंने यहाँ पे कंटूरिंग नहीं की है क्योंकि मुझे कंटूरिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं अगर सॉफ्ट मेकअप रखती हूँ तो मैं कंटूरिंग नहीं करती हूँ। अगर आप करना चाहेंगे तो आप पाउडर कंटूरिंग कर सकते हैं। देन आपको लेना है ब्लशर, तो मैं मेबलिन का कलर शो ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, और आप जब इसको ब्रश में पिक करते हैं तो थोड़ा सा आपको इसको कम लेना है, क्योंकि एक बार में कभी क्या होता है पिगमेंटेड ज़्यादा होता है तो फिर ज़्यादा हो जाता है आपका पूरा मेकअप, फिर वही ख़राब हो जाए, तो आप पहले इसको कम लें। देन अप्लाई करना है आपको हाइलाइटर, तो यहाँ पर मैं सेम आई शेडो जो मैंने पैलेट यूज़ किया था उसी से मैं सिल्वर और रोज़ गोल्ड ले रही हूँ। इस तरह से आपको अपने चीक्स बोन, फोरहेड एंड क्यूपिड बो एंड नोज़ एरिया में लगाना है। इससे आपका जो मेकअप है बहुत ही शाइनी और फ्लॉलेस लगता है। देन मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। देन आपको अप्लाई करनी है लिपस्टिक, तो ये नेचुरल मेकअप है तो मैंने यहाँ पे लाइट पिंक शेड लिया है, और ये कलर बार की लिपस्टिक है। देन मैंने यहाँ पे एक लिक्विड लिपस्टिक उसके ऊपर अप्लाई किया है। आप अपने लिप्स को शेप देने के लिए लिप लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड आईब्रो के नीचे आप हाइलाइटर ज़रूर दें, तो मैंने सेम हाइलाइटर यूज़ किया है। एंड लास्ट में अपने मेकअप को सेट करने के लिए आप कोई भी मेकअप स्प्रे ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे मैक का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया। आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।